एक पुरानी कहानियां जरूर सुनाता हूं और बड़ी शानदार है, है ना। तो वो एक कौआ था और कौए को तकलीफ क्या थी जानते हैं? कौए का रंग क्या होता है? तो कौआ काला था। मजा आया सुनते। साधु निकले, साधु के गाल पे एक मोती टपका पानी का। तो साधु ने चेहरा उठा के ऊपर देखा तो कौआ रो रहा था। साधु ने बोला रोता क्यों है? तो उसने बोला रो नहीं तो क्या करूं, ये जीवन दिया काला बनाया, कोई रंग है। साधु ने बोला खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश। क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ ही तकलीफ है। जिसके घर पे बैठो काव काव करो, लोग उड़ाए, कोई पालता है हमको? आज तक आपने देखा किसी कौए को किसी ने पाल के खाना खिलाया, दो रोटी खिलाई? श्राद्ध पे काम आता हूं बोले, झूठा खिलाते हैं मुझको, और तुम चाहते हो क्या बनाए, ये क्या बनाया भगवान? तो साधु बोला क्या बनना चाहता है, अगर दोबारा मौका मिले बनाता हूं चला आज। उसने बोला अगर जिंदगी में मौका मिला दोबारा बनने का तो हंस बनना पसंद करूंगा। क्या जबरदस्त सफेद रंग, शांति का प्रतीक। साधु ने बोला आज बनाया तुझे हंस, लेकिन एक वादा है, जाके एक बार हंस से मिला। उससे मिल तो आ। अब भागा भागा गया, हंस भाई क्या मस्त रहता ना तू, क्या रंग तुझे भगवान ने दिया। आए हाय हाय, पानी में पैडल मारता किसी को पता ही नहीं चलता कि चल रहा है। क्या सफेद सफेद रंग, अपन का देख काला, कितना खुश रहता होगा। हंस बोला कौन बोला रहे तुझको, यू नॉट हैप्पी, नॉट एट ऑल। बोले तुझको क्या तकलीफ है? बोले एक रंग है, सफेद रंग, मौत के बाद का रंग है। लोग तस्वीर खींचते हैं पानी में मेरी, साला पता ही नहीं चलता पानी खींच रहे हैं मेरी खींच रहे हैं, सफेद मिल जाता हूं, फोटो में आता ही नहीं हूं किसी की, तो ये कोई रंग है? बोले खुश नहीं है? बिल्कुल। तो दोनों आए, बाबा मामला गड़बड़। तो बाबा हंस से पूछे तेरे हिसाब से? बोले महाराज एक मौका दे दो बनने का। उसने पूछे क्या बनना चाहता है? बोलता पैरट बना दो सर बस। क्या चोंच, क्या रंग, लोग पालते हैं उसको, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, बोलता है सारे बना दो प्रभु एक बार। भगवान ने बोला बनाया, एक शर्त है, जाके एक बार मिला। अभी दोनों भागे भागे पैरट को ढूंढते। अब एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते। अब वो तोते ढूंढ रहे, तोते कहां है, तोते कहां है। उस पेड़ के तीन चार चक्कर लगाए, फाइनली तोता मिला। तोता भाई क्या मस्त जिंदगी रहता है। अरे मिट्ठू मियां क्या मस्त जिंदगी है तेरा, कितना खुश रहता है, क्या सुरा लाल लाल सुर्ख तेरे चोंच, आहा क्या तेरा जिस्म, क्या तेरे पर, लोग तुझे पालते हैं, अरे तुझे क्या क्या नहीं खिलाते हैं, तेरे को बादाम तक लोग खिलाते हैं काज, अरे क्या खुश रहता होगा, क्या मस्त तेरा जिंदगी। तोता बोला कौन बोला रहे? बोले तू भी खुश नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तुझे क्या तकलीफ? बोला तकलीफ यह है बेटा कि तुम चार चक्कर लगा गए, हरे में हरा तुमको दिखता नहीं था मैं, ये कोई रंग है साला, पेड़ में मिल जाता हूं। तो तीनों आए महाराज। महाराज बोला हां भाई तोते। बोले महाराज एक मौका दे दो बस, वो बना दो बस। क्या बनना चाहते? पीकॉक। क्या नेशनल बर्ड है हमारा, क्या मस्त है यार। ओए ओए ओए। महाराज ने बोला तीनों को बनाता हूं अभी, लेकिन शर्त वही है एक बार जाके मिला। अब तीनों भागे भागे गए मोर ढूंढे और मोर के पास जाके बोले मोर क्या जिंदगी दिया ईश्वर ने तुझको, देख आहा तेरे पर जब खुलते हैं ना बाबू, लोग इंतजार करते हैं उसका, तस्वीरें खींचते हैं, नेशनल बर्ड है तू। ओए होए तेरे नाचने के इंतजार में जब घटा बरसती है और जब तू नाचता है दीवाने हैं लोग तेरे, तस्वीरें लेते हैं और नेशनल बर्ड है, पढ़ाया जाता है तू क्लासेस के अंदर, कभी खुदा करे मौका मिले तो हम तेरे जैसा ना बन जाए, बड़ा खुश रहता होगा तू। मोर बोला कौन बोला रहे तुमको? बोला तेरे को भी तकलीफ है? बोला बहुत तकलीफ है। बोला तुझको क्या तकलीफ है? मोर ने बोला ध्यान से एक आवाज सुनो, आवाज कान लगा के तीनों सुनो। आवाज आ रही थी तुमने कहा कुछ आवाज आ रही है क्या है? उसने बोला और ध्यान से सुनो, ये आवाज पास आ रही है। हां क्या है? बोला शिकारी है, मां को मार डाला, एक एक पंख नोचा गया है उसके जिस्म से और ये पूरे शहर में पूरे देश में बेचा जाएगा, लोग अपने घरों में लगाएंगे। कोई जीवन है? क्यों बनना है मोर? तो उसने बोला खुश नहीं है? बोले अगले घंटे का पता नहीं है कैसे खुश रहा हूं। उसने बोला तेरे हिसाब से मैं क्या बनना चाहिए और कौन सबसे खुश है? तो कौए को मोर ने बोला तू। तो कौआ बोला मैं कैसे? तो मोर का जवाब सुनिए,
मोर ने कौवे को कहा तूने मटन बिरयानी सुनी, कौवा बोला हाँ, चिकन बिरयानी सुनी, बोला हाँ, कौवा सुनी बिरयानी, बोला नहीं, बोला तुझे जान का खतरा है, बोला नहीं कोई तुझे मारेगा, नहीं तुझे किसी से तकलीफ, नहीं किसको तुझसे तकलीफ, नहीं मस्त जी रहा है साला, हमें तो अगले घंटे का नहीं पता, तो किससे बढ़िया कौन। तो आप जो हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग के साथ हैं, मस्त हैं यार, किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, तुम्हारे ऐसा आदमी है कहीं नहीं है ना यार, यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ, कंपैरिजन में बहुत बड़ी तकलीफ होती है सर।